हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू परवल की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसे आप सब लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसे छील लेंगे। तो मैं इसे छील के आपको दिखाती हूँ। तो इसे जो है ना छीलना इस तरह से, सिर्फ इस तरह से हम करेंगे और इसके छिलके जो है उतार लेंगे। तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से ये छिल जाएंगे। तो मोटे मोटे इसके छिलके मत उतारिए। तो मैं इस तरह से छील के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे मैंने सारे छील लिए और अच्छे से धो लिए हैं। और अब इस तरह से हम इसे दो हिस्सों में कट कर लेंगे ऐसे। तो इसे मैंने कट कर लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, तो इसे मैरिनेट करेंगे। साथ में डाल देंगे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी देवी मिर्च। और इसे जो है ना हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करके, मतलब इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि मसाला हर किसी में लग जाए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने मैरिनेट कर दिया है। और आप चाहे तो इसे 10 मिनट छोड़ सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही तुरंत बना सकते हैं। समय है तो 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिएगा, अदरवाइज इसे बना लीजिएगा इसी तरह से। पर मैं इसे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया था और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ओवर क्राउड नहीं करना है, एक बार में जितने आएंगे हम उतने फ्राई कर लेंगे। ये 2 से 3 बार में होगा। बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं लिया है, बाद में वो ख़राब हो जाता है। तो हम 2 या 3 बार में इसे जो है फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे परवल जो है फ्राई होते हैं, मैं यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लूँगी, जिसमें कि मैंने ये 2 लाल साबुत मिर्चें लिए हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 लहसुन और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। इन सबको पीस के हम एक इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बढ़िया सा पेस्ट बन के रेडी है। इसे साइड में रख लेंगे और अब इसे चेक कर लेंगे। तो हमने गैस बिल्कुल धीमी रखी हुई है, दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे परवल हैं ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और बाकी के जो बचे हुए परवल हैं वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। और सेम तेल में ही हम हमारे आलू फ्राई कर लेंगे। तो आलू को हमने लंबा लंबा काट लिया है और ये 2 आलू थे मीडियम साइज के, तो जिसे मैंने लंबे लंबे कट किए हैं और इसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। 100% इसको फ्राई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आलू है हमारे ना, ये देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। और इसी तेल में हम डाल देंगे हींग, साथ ही मैं डाल देंगे जीरा और इसी के साथ हम डाल देंगे वो मसाला जो हमने अभी टमाटर प्याज का बना के रखा हुआ था।
और इसे बहुत ही बढ़िया से भून लेंगे। तो देखिए मसाले को अभी हमने तेल में डाला है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लग गई है। और यकीन मानिए इस तरह का मसाला जब आप बनाकर कोई भी सूखी सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और साथ ही साथ खुशबू का तो क्या ही कहना। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से थोड़ा सा तेल जो है रिलीज ना हो जाए। तो अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, पहले मैं इसे एक मिनट के लिए भून लूँगी। तो मसाले को मैंने एक मिनट भून लिया है और इसमें डाल देंगे हम सूखे पाउडर मसाले। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, हमने लाल मिर्च वो वाली भी डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, हमने नमक परवल में भी ऐड किया था। और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे देगी मिर्च और इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा अलग से मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने ही मसाले में ये सब्ज़ी आपकी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। और इसे जो है अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने थोड़ा सा इसे अभी भून लिया है, अभी इसे और भूनना बाकी है। इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी, तो इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी एक टेबलस्पून दही, तो ये गाढ़ी दही है। और इसे लगातार हम इस तरह से भून लेंगे ताकि दही हमारी फटे नहीं। बहुत ज़्यादा दही इसमें ऐड नहीं करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ है और जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। अब हम डाल देंगे हमारी ये दोनों सब्जियां, परवल और आलू, जो कि हमने फ्राई करके रखी थी। और इसे ना कुछ सेकंड के लिए बढ़िया से मसाले के साथ भून लेंगे। तो आप सब्जी का कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, अभी ये बनी नहीं है, सिर्फ हमने मसाले के साथ इसे भूना है। तो मैंने ना एक मिनट इसे अच्छे से मसाले के साथ भून लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून पानी है जो कि मैंने इसमें डाला है। अगर आपको ड्राई खानी है तो आप उसे थोड़ा सा पानी कम कर दीजिएगा। और अब क्या करेंगे, धीमी आंच में इसे 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे, जिससे कि आलू और परवल मसाले को एब्जॉर्ब कर ले और कच्चे भी ना रहें। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब्जी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है आलू परवल की। देखिए एकदम लटपटे से ये आलू जो परवल है वो हमारे तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सब्जी लगती है। और इसे कर देंगे हम हरे धनिए से गार्निश। तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, सबकी फेवरेट हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही यूनिक स्टाइल में परवल की और आलू की सब्जी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।